तो हेलो एवरीवन, रीड विद मी मैराथन सीरीज में आपका स्वागत है। तो आप सभी लोग एड्रीनल कॉर्टेक्स खत्म कर चुके हैं मेरे साथ साथ, तो अब अपना अगला टॉपिक है एड्रीनल मेड्यूला। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, क्योंकि अगर आप मेरे साथ मेरी इस रेस में मेरे साथ हैं तो लाइक करना आपका ड्यूटी है। थैंक यू एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एड्रीनल मेड्यूला क्या है, जरा इसको देख लेते हैं। कॉर्टेक्स तो हम देख चुके थे, आउटर कॉर्टेक्स होता था ग्लैंड के अंदर, मिडिल वाले पोर्शन को मेड्यूला बोलते थे। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, इसके हार्मोन्स पढ़ने वाले हैं, एड्रीनल मेड्यूला के कौन कौन से हार्मोन हैं, ठीक है, उनको हम कैटिकोलेमाइंस बोलते हैं। बेसिकली उनको एक ही नाम दिया गया है, कैटिकोलेमाइंस। उसमें प्लाज्मा लेवल देखेंगे उसका, उसकी हाफ लाइफ देखेंगे, फिर सिंथेसिस कैसे होता है कैटिकोलेमाइंस का, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, फिर एक्शन ऑफ एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन, या के हम कह सकते हैं कैटिकोलेमाइंस, उसका मोड ऑफ एक्शन देखेंगे, फिर उसका रेगुलेशन देखेंगे, रेगुलेशन ऑफ सीक्रेशन ऑफ एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन। एक छोटा सा टॉपिक डोपामाइन भी दे रखा है, क्योंकि तीसरा हार्मोन यहाँ से डोपामाइन भी निकलता है। और लास्ट में अप्लाइड फिजियोलॉजी, जिसमें आता है फियोक्रोमोसाइटोमा, ये जो डिसीज है ये हम पढ़ने वाले हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा ये देखने वाले हैं। तो पेशेंट्स के साथ पढ़िए, और इसको पढ़ने के जस्ट बाद तुरंत आप अपने नोट्स बनाइए, तो आप बिल्कुल अच्छे से सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो मेड्यूला इज इनर पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड एंड इट फॉर्म्स 20% मास ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। 80% कौन बनाता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। इट इज मेड अप ऑफ इंटरलेसिंग कॉर्ड्स ऑफ सेल्स नोइंग एज क्रोमाफिन सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल के नाम क्या है, क्रोमाफिन सेल्स। क्रोमाफिन सेल्स आर कॉल्ड फियोक्रोम सेल्स, फियोक्रोमोस, और इसी की अप्लाइड फिजियोलॉजी में हमने नाम याद किया था फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। तो क्रोमोफिल सेल, दिस सेल कंटेन्स फाइन ग्रेन्यूल्स विच आर स्टेन्ड ब्राउन बाई पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ये स्टेन हो सकता है किससे, कौन सी डाई से, पोटेशियम डाइक्रोमेट से। अब ये क्रोमोफिन सेल दो टाइप के होते हैं, एड्रीनल मेड्यूला में दो टाइप के क्रोमोफिन सेल मिलते हैं, एक तो जो एड्रीनलाइन सिक्रीट करते हैं वो 90% होते हैं, और एक नॉर एड्रीनलाइन सिक्रीट करते हैं जो कितने होते हैं, 10% होते हैं। तो एड्रीनलाइन नॉर एड्रीनलाइन क्या है, बेसिकली ये हार्मोन्स हैं। तो हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल मेड्यूला में देखते हैं, एड्रीनली मेड्यूलरी हार्मोन्स आर एमाइंस। क्या है ये, याद करिए क्या है ये, बाई नेचर एमाइंस हैं ये, ठीक है, ड्राइड फ्रॉम कैटिकॉल, ड्राइव फ्रॉम कैटिकॉल। जबकि कॉर्टेक्स कैसे थे, स्टीरोइड, तो कॉर्टेक्स के हार्मोन कैसे थे, स्टीरोइड, जो किससे डिवाइड होते थे, कोलेस्ट्रॉल से। जबकि ये क्या है, एमाइन, और ये किससे होते हैं, कैटिकॉल से। थोड़ा सा आप कंपेरेटिव दिमाग में रखेंगे तो जल्दी याद होगा। सो दीज हार्मोन्स आर कॉल्ड कैटिकोलेमाइंस, यानी कैटिकॉल प्लस एमाइंस, कैटिकोलेमाइंस, ठीक है। कैटिकोलेमाइंस सिक्रेटेड बाय एड्रीनल मेड्यूला आर फॉलोइंग, एड्रीनलाइन, नॉर एड्रीनलाइन एंड डोपामाइन। आपको कहीं कहीं एड्रीनलाइन का नाम एपिनेफ्रिन मिलेगा, और नॉर का मिलेगा नॉर एपिनेफ्रिन। तो ये हो गया हमारा हार्मोन के टाइप। अब देखते हैं इसका प्लाज्मा लेवल ऑफ कैटिकोलेमाइंस क्या है। तो एड्रीनलाइन कितना रहता है, 3 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, नॉर एड्रीनलाइन 30 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। देखिए ये 90% है तो कितना कम रिलीज हो रहा है, ये इतना ज्यादा रिलीज हो रहा है। डोपामाइन 3.5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। हाफ लाइफ की अगर मैं बात करूं, कैटिकोलेमाइंस की हाफ लाइफ कितनी है, 2 मिनट्स, मतलब कितना जल्दी फास्ट एक्टिंग है आप समझ नहीं सकते इसका, 2 मिनट कैटिकोलेमाइंस, ये तो मैगी से भी तेज हो गया भाई, 2 मिनट में मैगी बन जाती है, मैगी वाले कहते हैं, तो ये कैटिकोलेमाइन हो गया, ठीक है। इसके बाद सिंथेसिस ऑफ कैटिकोलेमाइंस, सिंथेसिस ऑफ कैटिकोलेमाइन कैसे होता है, तो कैटिकोलेमाइंस आर सिंथेसाइज फ्रॉम अमाइनो एसिड टायरोसिन, ठीक है, टायरोसिन से ये बनते हैं, कौन सा अमाइनो एसिड, टायरोसिन, और टायरोसिन से क्या बनता था हमारा, थायरॉयड हार्मोन, याद करिए अमीनो एसिड वहां भी कौन सा, थायरॉयड, थायरॉयड हार्मोन में हमारा कौन सा यूज होता था, टायरोसिन, ठीक है। इन क्रोमाफिन सेल ऑफ एड्रीनल मेड्यूला दीज हार्मोन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फिनाइल एलानाइन ऑल्सो। तो टायरोसिन के अलावा जो दूसरा अमाइनो एसिड हमारा कौन सा यूज हो सकता है, फिनाइल एलानाइन, बट फिनाइल एलोलाइन हैज टू बी कन्वर्टेड इन टू टायरोसिन, लेकिन इसको किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा यूज होने के लिए, टायरोसिन में, ठीक है। अब इसकी स्टेजेस देखते हैं बनता कैसे, स्टेजेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ कैटिकोलेमाइंस। तो फॉर्मेशन ऑफ टायरोसिन फ्रॉम फिनाइल एलोलाइन इज द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फिनाइल एलोलाइन हाइड्रोक्सिलेस। तो फिनाइल एलोलाइन
हाइड्रोक्सिलेज क्या करेगा, इस फिनाइल एलानाइन को कन्वर्ट कर देगा टायरोसिन में। इसके बाद क्या होगा, अपटेक ऑफ टायरोसिन फ्रॉम ब्लड इनटू द क्रोमोफिन सेल्स ऑफ एड्रिनल मेड्यूला बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से ये कहाँ पहुंच जाएगा, क्रोमोफिन सेल में। क्रोमोफिन सेल में क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ टायरोसिन इनटू डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानाइन यानी डोपा बाय हाइड्रोऑक्सीलेशन इन प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेस एंजाइम। ठीक है, कौन से एंजाइम की हेल्प से, ये एंजाइम कहाँ होता है, क्रोमोफिल सेल में, इसकी हेल्प से कन्वर्ट हो जाएगा टायरोसिन दोबारा से फिनाइल एलानाइन में, लेकिन फिनाइल एलानाइन की फॉर्म चेंज हो चुकी है, अब क्या हो चुका है वो डाइहाइड्रोक्सी, अब उसका नाम क्या हो गया, डोपा, शॉर्ट फॉर्म क्या बोल सकते हैं, डोपा। अब क्या होगा तीसरे स्टेप में, डीकार्बोक्सीलेशन, क्या होगा, डीकार्बोक्सीलेशन ऑफ डोपा इनटू डोपामाइन। अब ये डोपा जो है इसका डीकार्बोक्सीलेशन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ कौन सा एंजाइम, डोपा डीकार्बोक्सीलेज। अब ये एंट्री ऑफ डोपामाइन इनटू ग्रेन्यूल्स ऑफ क्रोमाफिल सेल, अब ये क्रोमाफिल सेल के साइटोप्लाज्म से हटकर कहां पहुंच जाएंगे, डोपामाइन कहां पहुंच जाएगा, अंदर किसमें, ग्रेन्यूल्स में। ग्रेन्यूल्स में क्या होगा, हाइड्रोऑक्सीलेशन ऑफ डोपामाइन इनटू नॉरएड्रेनालाइन बाय एंजाइम डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सीलेस, इसको पहले कन्वर्ट कर देगा इसमें नॉरएड्रेनालाइन में, कहां पर, ग्रेन्यूल्स के अंदर। ये कहां होगा, ये काम ग्रेन्यूल्स के अंदर। ठीक है, रिलीज ऑफ नॉन एड्रेनालाइन फ्रॉम ग्रेन्यूल्स इनटू द साइटोप्लाज्म, अब ये जो नॉन एड्रेनालाइन जो ग्रेन्यूल्स में बनाई है दोबारा से कहां होगा, साइटोप्लाज्म में। इसके बाद इसका क्या होगा, मिथाइलेशन, मिथाइलेशन ऑफ नॉर एड्रेनालाइन इनटू एड्रेनालाइन बाय द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम कॉल्ड फिनाइल थेनोलेमाइन एन मिथाइल ट्रांसफरेज, शॉर्ट फॉर्म याद कर लो, इतना लंबा कहां से याद करोगे, पीएमटी एग्जाम होता था प्री मेडिकल टेस्ट, उसका याद कर लीजिए, पीएनएमटी, पीएनएमटी। ठीक है, कौन सा, फिनाइल थेनोलेमाइन एन मिथाइल ट्रांसफरेज, PNMT is present in the chromophin cell cytoplasm. कहाँ मिलेगा ये एंजाइम? ये मिलेगा हमें सेल के साइटोप्लाज्म में। क्लियर? इसके बाद देखते हैं इसका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कैसे होगा? मेटाबॉलिज्म को देखने के लिए इससे पहले हम इसको इस डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। 71.1 में इसका डायग्रामेटिक व्यू भी दे रखा है, अगर किसी को थ्योरी समझ में नहीं आती तो डायग्राम उसको जल्दी याद हो जाते हैं बच्चों को, तो आप डायग्राम के थ्रू भी मार्क्स अच्छे फेच कर सकते हैं। तो सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलेमाइन, ठीक है, देखिए फिनाइल एलानाइन आया, या तो डायरेक्ट टायरोसिन आ जाए या फिनाइल एलानाइन, अगर फिनाइल एलानाइन आएगा तो इसको फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सीलेस किसमें कन्वर्ट कर देगा, टायरोसिन में। ये प्रोसेस कहाँ हो जाएगा, ब्लड में, ब्लड के थ्रू। फिर क्या होगा, ब्लड में से टायरोसिन को एक्टिव अपटेक के थ्रू कौन ले लेगा, क्रोमोफिन सेल। ये जो पूरा ब्लू कलर का है ये क्या है, क्रोमोफिन सेल है, ये इसका साइटोप्लाज्म है जो मैं येलो कलर से कर रहा हूँ, ये साइटोप्लाज्म है। अब इस टायरोसिन का क्या हो गया, हाइड्रोक्सीलेशन किसमें, टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेस एंजाइम के थ्रू, किसमें, डोपा में, टायरोसिन कन्वर्ट हो गया डोपा में, डोपा फिर डोपामाइन बनाएगा विद द हेल्प ऑफ डोपा डीकार्बोक्सीलेस एंजाइम से। कौन सी प्रोसेस, डीकार्बोक्सीलेशन, और ये डोपामाइन कहाँ गया, अंदर ग्रेन्यूल में। ये जो ब्राउन कलर का सर्कल है ये क्या है, ग्रेन्यूल है, ग्रेन्यूल में इसका हाइड्रोक्सीलेशन हुआ और क्या बना, नॉरएड्रेनालाइन। ये नॉरएड्रेनालाइन फिर ग्रेन्यूल से बाहर जाएगा, कहाँ पर, एड्रेनालाइन बन जाएगा, कौन सी प्रोसेस से, मिथाइलेशन एंजाइम पीएनएमटी, और फिर दोबारा से ये किसमें पहुंच जाएगा, एड्रेनालाइन स्टोर हो जाएगा कहाँ पर, इन्हीं ग्रेन्यूल्स में। तो ये जो प्रोसेस है आप डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म देखना है हमको, मेटाबॉलिज्म देखते हैं, मेटाबॉलिज्म कैसे होगा बेटा इसका, देखिए 85% ऑफ नॉरएड्रेनालाइन इज टेकन अप बाय द सिंपैथेटिक एड्रेनर्जिक न्यूरॉन। ठीक है, सिंपैथेटिक एड्रेनर्जिक न्यूरॉन जो होता है वहां से क्या रिलीज होता है, नॉरएड्रेनालाइन रिलीज होता है आपको। ये आपको कहाँ पता चलेगा, जब आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, है ना, प्री गैंग्लियन और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर से अलग अलग केमिकल्स निकलते हैं, तो वो आपको याद रखना है। रिमेनिंग 50% ऑफ 15% बचा हुआ 15% क्या होता है, नॉर एड्रेनालाइन एंड एड्रेनालाइन आर डिग्रेडेड, और ये 15% करीब यूज नहीं हो पाता, ये डिग्रेड हो जाता है। अब इसका किस तरीके से मेटाबॉलिज्म होता है जरा देखते हैं। देखिए डायग्राम भी दे रखा है यहाँ पर हमें, और उसकी थ्योरी भी दे रखी है, पहले थ्योरी समझते हैं। स्टेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कैटेकोलेमाइन, मिथॉक्सीलेशन ऑफ एड्रेनालाइन इनटू मेटा एड्रेनालाइन एंड नॉर एड्रेनालाइन इनटू मेटा नॉर एड्रेनालाइन, यानी मिथॉक्सीलेशन से इनके सामने क्या लग जाएगा, मेटावर्ड लग जाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ कैटेकोलेमाइन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम है, COMT। ठीक है, मेटा एड्रेनालाइन एंड मेटा नॉर एड्रेनालाइन आर टुगेदर कॉल्ड मेटानेफ्रिन्स, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, मेटा
नेफ्रिन्स, क्योंकि उनके अलग अलग नाम क्या थे, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। इसके बाद क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटानेफ्रिन्स इनटू वेनाइली मेंडेलिक एसिड, वेनाइली मेंडेलिक एसिड या वीएमए बाय मोनोएमाइन ऑक्सीडेस एंजाइम, कौन से एंजाइम के थ्रू, मोनोएमाइन ऑक्सीडेस एंजाइम के थ्रू। तो ये इस तरीके से यूज होगा। देखिए क्या होगा, डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। सबसे पहले एड्रेनालाइन, एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन, ठीक है। इसका मिथॉक्सिलेशन हुआ किसके प्रेजेंस में, सीओएमटी, सीओएमटी एंजाइम के केस में। और ये क्या बना देगा, मेटा एड्रेनालाइन नॉन एड्रेनालाइन। फिर ये मेटा दोनों मिलकर एमएओ ऑक्सीडेशन, यानी एमएओ ऑक्सीडेशन मोनोएमाइन ऑक्सीडेशन के थ्रू इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और ये मेटा एड्रेनालाइन से क्या बन जाएगा, वेनाइली मेंडेलिक एसिड, क्लियर, वेनाइली मेंडेलिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया इसका मेटाबोलिज कंप्लीट। देन रिमूवल ऑफ कैटिकोलेमाइंस, तो कैटिकोलेमाइंस आर रिमूव बॉडी बाय यूरिन इन थ्री फॉर्म। तो ये जो यूरिन बॉडी से बाहर कैसे निकलेगा, तीन फॉर्म में, 15%, 50%, 35%। तो 35% तो यही होगा जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना था, वेनाइली मेंडेलिक एसिड, ठीक है। 15% फ्री फॉर्म में एड्रेनालाइन एंड फ्री नॉर एड्रेनालाइन, जो मैंने बताया था ना वो डिग्रेड हो जाता है डायरेक्टली वो। 50% फ्री और कॉन्जुगेटेड मेटा एड्रेनालाइन और मेटा नॉर एड्रेनालाइन। तो ये सारी फॉर्म्स हम देख चुके हैं, इन तीन फॉर्म्स में इसका क्या होगा, बॉडी में से रिमूवल होगा, और होगा किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बॉडी पर एक्शन एड्रेनालिन का और नॉर एड्रेनालिन का, एक्शन ऑफ एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन सम स्टिमुलेट नर्वस सिस्टम, किसको स्टिमुलेट कराता है, नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कराता है। एड्रेनालिन हैज सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिक फंक्शन एंड बोथ एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो यहां पर एक बात याद देनी है, केवल एड्रेनालिन की बात करूं तो ये किस पर काम करता है, मेटाबॉलिक पर ज्यादा अफेक्ट करता है, जबकि अगर मैं दोनों की बात करूं तो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ज्यादा अफेक्ट करते हैं, ठीक है। दोनों अगर मिलकर अगर मैं बात करूं तो दोनों को, तो पहले देखते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। तो इनके लिए क्या चाहिए, मोड ऑफ एक्शन कैसे करेंगे, कैसे एक्ट करेंगे, जिस ऑर्गन पर इनको ऐड कराना है उसके पास क्या होने चाहिए, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होने चाहिए जो इस एंजाइम, जो इस हार्मोन को पहचान सके, ठीक है। चलिए द एक्शन ऑफ एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन आर एग्जीक्यूटेड बाय बाइंडिंग विद रिसेप्टर कॉल्ड एड्रेनर्जिक रिसेप्टर व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द टारगेट ऑर्गन। ये चीज हमको समझ में आ गई। अब देखते हैं क्या है इसमें, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर आर ऑफ टू टाइप, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर विच आर सब डिवाइडेड इनटू अल्फा वन एंड अल्फा टू। अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वन और टू, अल्फा वन और अल्फा टू। बीटा, बीटा रिसेप्टर सब डिवाइडेड इनटू बीटा वन एंड बीटा टू। तो ये हो गए हमारे पूरा दो टाइप के रिसेप्टर्स, ठीक है। द रेफर्स द टेबल 17.1 फॉर मोड ऑफ एक्शन ऑफ दीज रिसेप्टर्स, टेबल बाद में देखेंगे कैसे ये एक्ट करता है, टेबल चलिए देख लेते हैं साथ में। तो ये रही टेबल रिसेप्टर्स की, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर कितने थे, अल्फा के दो थे, अल्फा वन और अल्फा टू, और बीटा के कितने थे, बीटा वन और बीटा टू, ठीक है। तो यहां पे पहले अल्फा को देखते हैं, अल्फा वन क्या करता है, इट एक्टिवेट्स IP3। IP3 क्या होता था, सेकेंडरी मैसेंजर हुआ करता था हार्मोन एक्शन में, याद होगा। इट एक्टिवेट्स IP3 थ्रू फॉस्फोलाइपेज सी, ठीक है, ये इसको एक्टिवेट कराता है। अल्फा टू क्या करता है, इट इनहिबिट एडिनाइल साइक्लेज एंड साइक्लिक एएमपी। बीटा वन क्या कराता है, इट एक्टिवेट एडिनाइल साइक्लेज एंड साइक्लिक एएमपी, यानी अल्फा इनहिबिट करा रहा है तो बीटा एक्टिवेट करा रहा है अपोजिट। बीटा टू क्या कराता है, एक्टिवेट एडिनाइल साइक्लेज एंड साइक्लिक एएमपी, यानी ये दोनों ही बीटा वाले ए वाला फंक्शन करते हैं, यानी एक्टिवेशन वाला, और अल्फा ए वाला ना करके कौन सा वाला काम करता है, इनहिबिशन वाला, ठीक है। अब इनका एक्शन देख लेते हैं, तो अल्फा वन और टू का क्या है, इट मीडिएट मोड ऑफ नॉर एड्रेनालिन एक्शन देन एड्रेनालिन एक्शन। तो अल्फा रिसेप्टर जो मेनली किसके लिए काम आते हैं, ये मेनली किसका काम, किसके लिए काम करते हैं, मेनली किसके लिए काम करते हैं, नॉर एड्रेनालिन के लिए, समझ में आ गया। और जबकि बीटा वन की बात करें तो ये दोनों के लिए, मीडिएट एड्रेनालिन एज वेल एज नॉर एड्रेनालिन इक्वली। तो ये जो रिसेप्टर होते हैं बीटा वन, ये दोनों के लिए काम करते हैं। जबकि अगर तीसरे रिसेप्टर की बात करूं, मीडिएट मोर एड्रेनालिन एक्शन देन नॉन एड्रेनालिन, तो ये जो बीटा टू है ये किसके लिए ज्यादा काम करेगा, ये मेनली एड्रेनालिन के लिए काम करेगा। तो तीनों की नेचर रेस्पॉन्स अलग अलग है, ये आपको याद कर लेना है,
ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं एक्शंस क्या हैं इनके। तो देखिए, सर्कुलेटिंग एड्रेनालाइन एंड नॉर एड्रेनालाइन हैव सिमिलर इफेक्ट ऑन सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होने पर दोनों का इफेक्ट सेम रहेगा, बट द इफेक्ट ऑफ एड्रीनल हार्मोन इज प्रोलॉन्ग 10 टाइम्स मोर देन सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। इट इज बिकॉज ऑफ द स्लो इनएक्टिवेशन, स्लो डिग्रेडेशन एंड स्लो रिमूवल ऑफ दीज हार्मोन। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक तो स्लो इनएक्टिवेशन होता है इनका, स्लो डिग्रेडेशन होता है, स्लो रिमूवल होता है इस हार्मोन का, इसीलिए इनका जो असर है वो काफी देर तक रहता है एड्रीनल हार्मोन्स का, जो कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का असर कम टाइम के लिए रहेगा, लेकिन इनका हार्मोन का असर ज्यादा टाइम के लिए रहेगा। वैसे भी आप याद रखो, नर्वस सिस्टम कैसा होता है, वो तुरंत एक्शन लेता है, और अपना हार्मोन जो दिखाता है एक्शन कितना दिखाता है, लेट दिखाता है ना, तो आप वैसे भी इसको याद कर सकते हैं। दोनों में इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सिमिलर इफेक्ट कैसा है, कौन से नर्वस सिस्टम जैसा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जैसा इसका इफेक्ट रहता है। जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कराएगा हमारी बॉडी में, वही ये हार्मोन कराएंगे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन ऑन वेरियस टारगेट ऑर्गन डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन दीज ऑर्गन। अब ये डिपेंड करेगा उस पर अल्फा वाले ज्यादा है, बीटा वाले ज्यादा है, बीटा वन ज्यादा है या बीटा टू ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है अल्फा नॉरएड्रेनालिन के ज्यादा वर्क करता है, बीटा वन एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन के लिए, दोनों के लिए काम करता है, जबकि बीटा टू केवल एड्रेनालाइन के लिए ज्यादा काम करता है, उसके लिए कम काम करता है। तो ये इनका जो है ना, थोड़ा सा इनके अंदर वो डिफरेंशिएशन है, तो वो याद रखना है आपको। एड्रेनालाइन एक्ट थ्रू बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स इक्वली, नॉर एड्रेनालाइन एक्ट मेनली थ्रू अल्फा रिसेप्टर्स एंड अकेजनली थ्रू बीटा रिसेप्टर। याद आ गया, बीटा टू अकेजनल है और मेनली कौन सा है, अल्फा, इसके अल्फा वन, जबकि एड्रेनालिन दोनों में मिलता था, उसमें भी कर रहा था थोड़ा बहुत और उसमें भी। ठीक है, तो ये असर आपको याद रखना है इसमें। चलिए अब इसका फिजियोलॉजी पर असर देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि ये मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करता है मेनली एड्रेनालिन, तो उसके कौन से रिसेप्टर होंगे, दोनों अल्फा और बीटा दोनों पे करेगा। तो एड्रेनालिन इन्फ्लुएंस द मेटाबॉलिक फंक्शन मोर देन नॉन एड्रेनालिन। सिंपल जनरल मेटाबॉलिज्म, एड्रेनालाइन इंक्रीज द ऑक्सीजन कंजप्शन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, इट इंक्रीज द बेसल मेटाबॉलिक रेट, सो इट इज सेड टू बी कैलोरीजेनिक हार्मोन। कैसा हार्मोन है ये, कैलोरीजेनिक हार्मोन। ठीक है, यहां पर क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के कंजप्शन को बढ़ा रहा है, यानी कैलोरी के यूज को बढ़ा रहा है, तो कैलोरी जनरेट कर रहा है, तो यहां पर कैलोरीजेनिक हो गया। ठीक है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, एड्रेनालाइन इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय इंक्रीजिंग द ग्लाइकोज चीनोलाइसिस बाई लिवर एंड मसल, सो अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज एंटर्स इनटू द सर्कुलेशन। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, लार्ज क्वांटिटी आ रहा है, ये डायबिटोजेनिक इफेक्ट हो गया इसका, है ना, इसका एक डिफेक्ट कैसा हुआ, डायबिटोजेनिक हो गया। फैट मेटाबॉलिज्म की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एड्रेनालाइन कॉज मोबिलाइजेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, सो कैटिकोलेमाइंस नीड द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फॉर दिस एक्शंस। लेकिन ये अकेले नहीं कर पाएगा फैट पर एक्ट, इसको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, जो हमने पहले कॉर्टेक्स में हार्मोन पढ़े थे, कौन से, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की, इसको हेल्प लेनी पड़ेगी, किसके केस में, फैट मेटाबॉलिज्म में। क्लियर, अगला हमारा है इफेक्ट ऑन द ब्लड। ब्लड पे कौन काम करेगा, बीटा रिसेप्टर्स काम करेंगे। तो एड्रेनालाइन डिक्रीज ब्लड कोएगुलेशन टाइम, इट इंक्रीजेस आरबीसी काउंट इन ब्लड बाई कॉन्ट्रैक्टिंग स्मूथ मसल्स ऑफ स्प्लीनिक कैप्सूल। आपको पता है रिजर्व क्या होता है, स्प्लीन रिजर्व है ब्लड की, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करवा के उसमें से क्या ज्यादा से ज्यादा आरबीसी को रिलीज करवाएगा, रिलीजिंग आरबीसी फ्रॉम स्प्लीन इन टू द सर्कुलेशन। अगला है हार्ट पे, हार्ट पे भी कौन काम देख रहे हैं, बीटा रिसेप्टर्स। एड्रेनालाइन हैज स्ट्रॉन्गर इफेक्ट ऑन हार्ट देन नॉर एड्रेनालाइन, इट इंक्रीजेस ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, जैसे हार्ट रेट बढ़ा देगा, इसको क्या बोलेंगे, क्रोनोट्रॉफिक इफेक्ट बोलते हैं, हार्ट रेट को बढ़ा देना क्रोनोट्रॉफिक इफेक्ट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ा देगा, इसको बोलते हैं आइनोट्रॉफिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, आइनोट्रॉफिक इफेक्ट। एक्साइटेबिलिटी ऑफ हार्ट मसल, एक्साइटेबिलिटी को बढ़ा देगा, इसको बोलते हैं बाथमोट्रॉफिक इफेक्ट। ठीक है, बाथमोट्रॉफिक इफेक्ट। और कंडक्टिविटी हार्ट मसल्स की बढ़ा देगा, इसको बोलते हैं ड्रोमोट्रॉफिक इफेक्ट। तो ये चार तरीके के इफेक्ट कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो चारों इफेक्ट आपको याद होने चाहिए, किसकी वजह से होते हैं, मेनली एड्रेनालिन की वजह से होते हैं। ब्लड वेसल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ब्लड वेसल पर दोनों तरीके से होगा, अल्फा से भी होगा और बीटा टू से भी होगा, बीटा टू। ठीक है, तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा, द नॉन एड्रेनालिन हैज स्ट्रॉन्ग इफेक्ट,
यानी अल्फा वन तो था ही किसके लिए, नॉन एडिटिंग के लिए, और बीटा टू भी किसके लिए था, नॉन एडिनिलाइन के लिए। तो जो नॉन एडिनिलाइन है वो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट किस पर होता है, उसका ब्लड वेसल्स पर। इट कॉज कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल थ्रू आउट द बॉडी बाय अल्फा रिसेप्टर्स, सो इट इज कॉल्ड जनरल वासो कंस्ट्रिक्टर। वासो कंस्ट्रिक्टर इफेक्ट ऑफ नॉन एडिनिलाइन इंक्रीजेज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, इससे क्या होगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, एडिनिलाइन ऑल्सो कॉज कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, हाउ एवर इट कॉज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल इन स्केलेटल मसल। ये पॉइंट याद रखना है। ओवरऑल देखा जाए तो सारी ब्लड वेसल्स को क्या कराता है, कंस्ट्रिक्ट कराएगा, लेकिन स्केलेटल मसल की ब्लड वेसल्स को डायलेट कराएगा, लिवर को डायलेट कराएगा, हार्ट को थ्रू बीटा टू रिसेप्टर, क्योंकि इन पर क्या होते हैं, बीटा टू रिसेप्टर्स होते हैं, इन पर अल्फा रिसेप्टर्स नहीं होते। सो द टोटल पेरीफेरल रेजिस्टेंस इज डिक्रीज बाई एड्रीनलिन, सो द पेरीफेरल रेजिस्टेंस इज डिक्रीज बाई एड्रीनलिन। कैटिकोलेमाइड नीड द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फॉर दीज वेस्कुलर इफेक्ट। अब यहां भी अकेला काम नहीं कर पाएगा, इसको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वाले हार्मोन्स की, जिसकी वजह से ये वेस्कुलर इफेक्ट कंप्लीटली अपना असर दिखा पाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर पर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा इसका, ऑन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर पर दोनों अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर काम करेंगे, लेकिन बीटा वन है ना, बीटा टू नहीं, बीटा वन। ठीक है, तो यहाँ देखिए, एड्रेनालाइन इंक्रीजेस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट एंड कार्डियक आउटपुट, बट इट डिक्रीज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाय रिड्यूसिंग द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये तो आपको समझ में आ गया, वहां प्रेशर वो बढ़ा रहा है, लेकिन नॉन एड्रेनालाइन की वजह से क्या हो रहा है, जो वह वो वास्को कंस्ट्रिक्शन है, तो डायस्टोलिक प्रेशर जो क्या होगा वो डिक्रीज कराएगा। नॉन एड्रेनालाइन इंक्रीज डायस्टोलिक प्रेशर ड्यू टू द जनरल वासो कंस्ट्रिक्टर इफेक्ट बाय इंक्रीजिंग द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये लाइन अभी हमने ऊपर पढ़ी है, नॉन एड्रेनालाइन क्या करा रहा है, डायस्टोलिक प्रेशर को इंक्रीज करा रहा है। इट ऑल्सो इंक्रीज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर टू स्लाइट एक्सटेंड बाई एक्शन ऑन हार्ट। द एक्शन ऑफ कैटिकोलेमाइंस ऑन ब्लड प्रेशर नीड्स द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और इस एक्शन को करने के लिए इसको किसकी हेल्प चाहिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की हेल्प चाहिए। तो यहां पर आप देख रहे हो कि मेनली एड्रेनालाइन नॉन एड्रेनालाइन को सिस्टम्स पर एक्ट करने के लिए हमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की हेल्प की जरूरत पड़ती है। दस हाइपर सिक्रेशन ऑफ कैटिकोलेमाइंस लीड्स टू हाइपरटेंशन, इसीलिए इसका लेवल अगर बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, हाइपरटेंशन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। रेस्पिरेशन पर क्या इफेक्ट रहता है, बीटा टू रिसेप्टर्स होते हैं, तो एड्रेनालाइन क्या करेगा, इंक्रीज द रेट एंड फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन। एड्रेनालाइन इंजेक्शन प्रोड्यूस एपनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, विच इज नोन एज एड्रेनालाइन एपनिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रोंको डायलेशन। ठीक है, क्या क्या ब्रोंको डायलेशन, तो एपनिया का मतलब क्या है, एपनिया इसका मतलब है ब्रीदिंग रेट जो है स्लो हो जाएगी। ठीक है, स्किन पर क्या इफेक्ट है, स्किन पर दोनों रिसेप्टर होते हैं, अल्फा और बीटा टू भी होता है स्किन पर भी रेस्पिरेशन की तरह, तो इट कॉज कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एरेक्टर पिलाई। इट ऑल्सो इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ स्वेट, तो बाल खड़े हो जाएंगे कॉन्ट्रेक्शन की वजह से और क्या होगा, पसीना ज्यादा आएगा। स्केलेटल मसल पर क्या असर रहेगा, दोनों की वजह से, अल्फा एंड बीटा टू रिसेप्टर्स की वजह से। एड्रेनालाइन कॉज सीवियर कॉन्ट्रेक्शन एंड क्विक फटिग ऑफ मसल, इट इंक्रीज ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम मसल इन टू द ब्लड। इट ऑल्सो कॉज वासो डायलेशन इन द स्केलेटल मसल। बाकी सब पे क्या असर होता था, वासो कंस्ट्रिक्शन, लेकिन स्केलेटल मसल पे क्या असर रहता था, वासो डायलेशन। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अब स्मूथ मसल पे क्या इफेक्ट रहेगा वो भी देख लेते हैं। ऑन स्मूथ मसल वाया अल्फा और बीटा रिसेप्टर, कैटिकोलेमाइंस कॉज कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्मूथ मसल इन द फॉलोइंग ऑर्गन्स। स्प्लेनिक कैप्सूल को कॉन्ट्रैक्ट कराता था, स्फिंक्टर ऑफ जीआईटी को कराता था, एरेक्टर पिलाई, स्किन, गॉल ब्लैडर, यूट्रस, डायलेटर, प्यूपलाई ऑफ आयरिस, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ कैट, कैट के केस में। कैटिकोलेमाइंस कॉज रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल इन फॉलोइंग ऑर्गन, तो यहां पर कॉन्ट्रेक्शन करा रहा है और यहां पर क्या करा रहा है, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन क्या कराएगा, रिलैक्सेशन किसकी कराएगा, नॉन स्फिंक्टर पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट, है ना, यहां पर स्फिंक्टरिक पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है। नॉन स्फिंक्टर पार्ट कौन से, जैसे ईसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन, उसके बीच में कहीं स्फिंक्टर नहीं है तो उनको रिलैक्स कराएगा, और जहां जहां स्फिंक्टर है उनको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, ब्रोंकियोल्स को और यूरिनरी ब्लैडर को क्या कराएगा, रिलैक्स कराएगा, क्योंकि अगर ये कंस्ट्रिक्ट हो गया तो हमको यूरिन आने लगेगा और उस कंडीशन में यूरिन नहीं आना चाहिए। आपको पता ना सिंपेथेटिक में पढ़ा होगा आपने, उसके बाद जब पैरासिम्पेथेटिक असर आता है तब ये यूरिनरी ब्लैडर अपना सही से काम करता है, ये दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है,
ऑन ब्लड ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे असर है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन से रिसेप्टर हैं? बीटा रिसेप्टर्स। एड्रेनालाइन इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, एड्रेनालाइन सीक्रेशन इंक्रीजेस ड्यूरिंग द फाइट और फ्लाइट रिएक्शंस। आपको पता है कब होगा फाइट फ्लाइट रिएक्शन? वही सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में, आफ्टर एक्सपोजर टू स्ट्रेस। इट एनहेंस द कॉर्टिकल एरोजल एंड अदर फैसिलिटरी फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर। अदर एक इफेक्ट ऑफ कैटेकोलेमाइंस के दूसरे इफेक्ट क्या है? सलाइवरी ग्लैंड पर अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर है, तो वहां क्या करेगा? वासो कंस्ट्रिक्शन इन सलाइवरी ग्लैंड लीडिंग टू माइल्ड इंक्रीज इन द सलाइवरी सिक्रीशन। थोड़ा बहुत सलाइवा सिक्रीशन में क्वांटिटी में इंक्रीज हो जाएगा। स्वेट ग्लैंड पे क्या असर देखने को मिलेगा? लैक्रिमल ग्लैंड पर क्या देखने को मिलेगा? ACTH सिक्रीशन, नर्व फाइबर और रेनिन सिक्रीशन, सब पे अलग अलग फर्क है। स्वेट ग्लैंड को भी इंक्रीज करा देगा सिक्रीशन को एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड से, यहाँ भी लैक्रिमल में इंक्रीज करा देगा टीयर्स के प्रोडक्शन को। एड्रेनालाइन इंक्रीज ACTH सिक्रीशन, कहाँ से निकलेगा? पिट्यूटरी से, उसको भी इंक्रीज करा देगा। नर्व फाइबर में देखा जाए तो डिक्रीज द लेटेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन नर्व फाइबर, मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज एक्सीलरेटेड, एक्टिविटी बढ़ा देगा लेकिन जो रेस्पॉन्स टाइम है उसको घटा देगा। ठीक है। ऑन रेनिन सिक्रीशन इंक्रीज द रेनिन सिक्रीशन फ्रॉम जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस ऑफ द किडनी, और रेनिन के सिक्रीशन को बढ़ा देगा जिससे एंजियोटेंसिनोजन 1 और 2 वाला सिस्टम एक्टिवेट हो सके ब्लड प्रेशर को मेंटेन कराने के लिए। ठीक है। देन रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, कैसे रेगुलेट होता है? तो एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन आर सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रेनल मेडुला इन स्मॉल क्वांटिटी इवन ड्यूरिंग रेस्ट। ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन सिंपैथो एड्रेनल डिस्चार्ज, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सप्लाई प्लस एड्रेनल ग्लैंड दोनों मिलकर कैसा लार्ज क्वांटिटी ऑफ कैटेकोलेमाइन सिक्रेटेड। दीज हार्मोन्स प्रिपेयर द बॉडी फॉर फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शंस। कैटेकोलेमाइन सिक्रेशन इंक्रीजेस ड्यूरिंग एक्सपोजर टू कोल्ड एंड हाइपोग्लाइसीमिया, इन दो कंडीशन में भी कैटेकोलेमाइन इंक्रीज हो जाता है फाइट फ्लाइट के अलावा। ठीक है। चलिए हमारा अगली कैटेगरी का जो लास्ट हार्मोन बचा छोटा मोटा वो है डोपामाइन। डोपामाइन सिक्रेटेड बाई एड्रीनल मेड्यूला। द टाइप ऑफ सेल सिक्रेटिंग द हार्मोन इज नॉट नोन, कौन से वाले से निकलता है नहीं पता। ठीक है। डोपामाइन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाई डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन सम एरियाज ऑफ द ब्रेन। ब्रेन में कुछ न्यूरॉन्स है जहाँ से डोपामाइन रिलीज होता है, वहाँ पर आपको मिलेगा, पर्टिकुलरली बेसल गैंग्लिया। कौन से एरिया में? बेसल गैंग्लिया वाले रीजन में। ठीक है। इन ब्रेन द हार्मोन एक्ट एज न्यूरो ट्रांसमीटर, और ब्रेन के अंदर क्या है? ये न्यूरो ट्रांसमीटर है। इंजेक्शन ऑफ डोपामाइन प्रोड्यूस फॉलोइंग इफेक्ट, क्या इफेक्ट आते हैं? वासो कंस्ट्रिक्शन बाई रिलीजिंग नॉरएपिनेफ्रिन। वासो डायलेशन इन द मीजेंट्री में क्या कराएगा? वासो डायलेशन कराएगा यानी इंटेस्टाइन के आसपास, और यहाँ वासो कंस्ट्रिक्शन कराएगा। और इंक्रीज इन द हार्ट रेट वाया बीटा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर पे काम करता है कहाँ? हार्ट में, उसको हार्ट रेट को बढ़ा देगा। इंक्रीजिंग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डोपामाइन डज नॉट अफेक्ट द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, याद रखने वाली बात है। किसको करेगा? केवल सिस्टोलिक को। डिफिशियंसी ऑफ डोपामाइन बेसल गैंग्लिया प्रोड्यूस नर्वस डिसऑर्डर दैट इज कॉल्ड पार्किंसोनिज। क्या है पार्किंसोनिज? ये हम पढ़ेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, जब हम नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे, इसलिए इस चैप्टर का अभी यहाँ पर कोई जिक्र करने का मतलब नहीं है। बस इतना याद कर लो कि डोपामाइन कहाँ काम आ रहा है, डोपामाइन की कमी से कौन सा डिसीज हो रहा है? पार्किंसन। ठीक है। अब अप्लाइड फिजियोलॉजी देख लेते हैं, इसकी क्या काम आता है डिसऑर्डर। तो फियोक्रोमोसाइटोमा इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज बाई हाइपर सिक्रीशन ऑफ कैटेकोलेमाइन। हाइपो की कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पर कौन सी कंडीशन? हाइपर सिक्रीशन की, कि अगर कैटेकोलेमाइन ज्यादा सिक्रीट होने लगे। पहले कॉज देखते हैं। तो फियोक्रोमोसाइटोमा इज कॉज्ड बाई ट्यूमर ऑफ क्रोमोफिल सेल इन एड्रीनल मेड्यूला, अगर ट्यूमर हो जाए। इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाई रेयरली ट्यूमर ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया, क्योंकि आपको पता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी ये रिलीज होता है, तो अगर सिंपैथेटिक गैंग्लिया में अगर ट्यूमर हो जाए तब भी इसका ज्यादा अमाउंट सिक्रीट होने लगा। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एड्रीनल फियोसाइटोक्रोमा, यानी एड्रीनल ग्लैंड से बाहर का है ये, तो इसीलिए क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा एड्रीनल फियोसाइटोक्रोमा। ठीक है। बार बार मेरी जबान से फियोसाइटोक्रोमा निकल, ये है फियोक्रोमोसाइटोमा, उल्टा फियोसाइटोक्रोमा दिमाग में चलता है। ठीक है। तो यहां पर है फियोक्रोमोसाइटोमा। क्लियर। तो ये करेक्शन कर लीजिए, ये मेरी मिस्टेक है, याद रखिए। अब साइन और सिम्टम्स देखते हैं हम फियोक्रोमोसाइटोमा के। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा इज हाइपरटेंशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है इसमें? पेशेंट को हाइपरटेंशन शुरू हो जाता है। दिस टाइप ऑफ हाइपरटेंशन इज नोन एज एंडोक्राइन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन।
एंडोक्राइन या सेकंड क्या पड़ता है, क्योंकि प्राइमरी वाला कैसा होगा, जब कोई कार्डियक का डिसीज होगा, ये किस वजह से हो रहा है, हार्मोन की वजह से हो रहा है, दूसरे सिस्टम्स की वजह से, द अदर फीचर्स आर, एक तो एंजाइटी रहेगी, चेस्ट पेन रहेगा, फीवर, हेडेक, हाइपरग्लाइसीमिया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स रहेंगे, नोजिया, वॉमिटिंग हो सकती है, पालपिटेशन हो सकता है, पॉलीयूरिया या ग्लूकोसूरिया, है ना, मल्टीपल टाइम यूरिन जाएगा, उसमें शुगर भी आ सकती है, स्वेटिंग और फ्लशिंग, टैकीकार्डिया, वेट लॉस, ये सारी चीज़ें हमें पेशेंट में देखने को मिल सकती हैं। टेस्ट क्या है इसका, टेस्ट ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा का, फियोक्रोमोसाइटोमा इज डिटेक्टेड बाई मेजरिंग द मेटानेफ्रिन। मेटानेफ्रिन कैसी बनती थी, मेटानेफ्रिन बनती थी ना उसका चेंज करके एडिनिलाइन और नॉन एडिनिलाइन को, मेटानेफ्रिन एंड वेनाइली मेंडेलिक एसिड इन यूरिन। तो इसमें क्या कराते हैं, हम यूरिन टेस्ट कराते हैं इसमें जानने के लिए कि अगर हमारे यूरिन में इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है या कम है, उससे हमको पता चल जाएगा। एंड द कैटिकोलेमाइंस इन द प्लाज्मा, और ब्लड में कौन सा टेस्ट कराते हैं, कैटिकोलेमाइंस इन प्लाज्मा। तो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट में हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अपनी एड्रिनल ग्लैंड इस वीडियो में ख़त्म होती है। तो एज पर द टारगेट हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, सही स्पीड में चल रहे हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।